हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपना मोटो व्लॉग का सेटअप दिखाने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपको मोटो व्लॉग स्टार्ट करना है तो आप कैसे चीपेस्ट कॉस्ट में, मीन्स आपका बजट कम है तो अपना मोटो व्लॉग सेटअप जो है वो अपने आप बना सकते हो और आपको उसमें कोई भी क्वालिटी का इशू नहीं आएगा। तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूं और अपना दिखाने वाला हूं और जो जो मैंने उसमें गैजेट्स यूज़ कर रखे हैं उन सबका मैं रिव्यू भी देने वाला हूं कि मुझे पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस मिला उनसे। तो इसके बाद मैं आपको अपना मोटो व्लॉग सेटअप दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, जो मेरा मोटो व्लॉग का सेटअप है उसमें मैंने एक स्टड का हेलमेट यूज़ कर रखा है जो कि अराउंड 1700 कुछ का आता है। तो आप भी इसको बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है ये। लुक वाइज भी मेरी जो बाइक है R15 उस पर काफ़ी मैच खाता है। और जो ये कैमरा है मेरा, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ का मेन फोकस होने वाला है। मीन्स इस कैमरे के अंदर ही मैं अपने मोटो व्लॉग्स बनाता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे माउंट कर रखा है, एक बार मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो, ये कुछ इसके हुक्स हैं, यहाँ पे क्लिप्स वगैरह जो भी हैं ये, तो इनके थ्रू मैंने इसको माउंट करके, लाइक मैं इसको खोलता हूँ, ये यहाँ से मेरा कैमरा जो है वो बाहर आ गया। अब मैं इसके ये भी खोल के दिखाता हूँ आपको। देखो, ये सारा है ना, ऐसे खुल जाता है ये सारा। तो इस तरीके से ना, मतलब ये एक ये मेन क्लिप है जो, ये तो मेरी हेलमेट में लग जाती है कहाँ पे। देखो, ये जो यहाँ पे लगा रखा है ना मैंने, यहाँ पे वैसे तो मैंने इसको टेप से चिपका रखा था, यहाँ पे 3M वाली टेप जो साथ में आती है, लेकिन सेफ्टी के लिए मैंने थोड़ी सी एम सील भी लगा दी। पहले मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया था तो फिर मैंने एम सील उखाड़ी, तो देखो यहाँ पे निशान पड़ गया। तो यहाँ पे मैंने इसका ये लगा रखा है और इस हेलमेट में यहाँ पे ये दिया हुआ है एक। इससे क्या होता है कि जैसे हम अंदर से जब कुछ बोलते हैं ना तो उसकी जो आवाज़ है वो बाहर जाए ना जाए, तो उसके लिए ये ऐसे है। जैसे यहाँ पे ये ओपन एरिया दे रखा है, तो अगर मैं इसको नीचे रखूँगा तो अंदर से जो मेरी आवाज़ है ना वो बाहर आएगी, और इसको मैं क्लोज कर दूँगा तो मेरी आवाज़ बाहर नहीं आनी और अंदर मीन्स विंड नॉइस भी नहीं आनी। तो मैं इसको ऑलमोस्ट बंद ही रखता हूँ। बाकी इस पर एक क्रोम वाइजर, इस पर काफ़ी निशान पड़ चुके हैं ना, गिर गया था बहुत बार। तो ये तो कुछ हेलमेट है मेरा और यहाँ पे एक क्लिप है इसकी। तो अंदर क्या लगा रखा है मैंने, देखो इसके अंदर ये इसकी पैडिंग वगैरह है सारी प्रॉपर। तो यहाँ पे देखो, एक ही वायर है जिसके अंदर मैंने अपना माइक लगा रखा है ना, तो ये उसी की वायर है। पहले मैं आपको माइक का ही दिखाता हूँ, पहले इसको खोल के देखो। ये जो इसकी पैडिंग है ना, मैक्सिमम जितने भी हेलमेट्स होते हैं उनकी पैडिंग ना ऐसे खुल जाती है। देखो मैं इसको खोलता हूँ ना, जैसे देखो ये खुल गई। तो इस तरीके से ना, ये तो दूसरी साइड वाला खोला है मैंने, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा होगा। तो इसको बंद करता हूँ, जैसे मैं इस साइड वाला खोलता हूँ। देखो इस साइड आपको वायरिंग दिखेगी, ये शायद से दिख रही हो, और खोलता हूँ थोड़ा। देखो यहाँ पे ये मेरा माइक है, ये वाला माइक। तो ये माइक मैंने यहाँ पे लगा रखा है और इसको मैंने ना ऐसे फिट कर रखा है पैडिंग से। तो ये तो मेरा, जैसे यहाँ पे अंदर है ना जो एरिया, ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नहीं लगा रखा ताकि जो मेरी सांस वगैरह लेता हूँ जैसे, तो उसकी आवाज़ ना जाए सीधा। तो यहाँ पे ये पैडिंग है, इससे काफ़ी विंड नॉइज़ जो है वो कैंसिल हो जाती है। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कुछ, जिससे कि शोर वगैरह ज़्यादा नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने माइक लगा रखा है, ये माइक है मेरा बोया का M1 माइक। जैसे कि आप मेरी वीडियोज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे को ना इससे सेल की दिक्कत आती है काफ़ी। लेकिन मैं इसको बंद करता हूँ, ये बंद हो गया। तो इसके साथ ना एक ये आता है, जैसे मैं यहाँ से इसको खोलता हूँ, तो इसके लिए मैंने अंदर वायरिंग ये भेज रखा है। ये पहले इसको भी मैंने बाहर लगा रखा था एम सील से, तो मेरा जब फर्स्ट टाइम सेल खत्म हुआ था ना तो मेरे को इसको उतारना पड़ा था, तो मैंने इसको उतार लिया था और बाद में मैंने इसको अंदर फिट कर दिया यहाँ पे। बेसिकली आपके पास कोई भी हेलमेट हो ना तो आप उसकी पैडिंग खोल के अपने हिसाब से, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो, जैसे उसकी वायरिंग हो। इसकी वायरिंग तो काफ़ी लंबी थी इस माइक की, तो मैंने इसको ना यहाँ पे पूरा खोल के अंदर फिट कर दिया। तो ये वाला मेरा माइक है। तो यहाँ पे ना इसका एक मोड है, देखो यहाँ पे लिखा है ये कैमरा और स्मार्टफोन। तो ये कैमरा पे रखना पड़ता है। तो कैमरा पे रखने से क्या होता है कि जो मेरा ये सेल था ना वो यूज़ होता है, सेल इसके अंदर डलता है। तो ये माइक अगर आपने कभी देखा होगा, यूज़ किया हो, तो आपको पता ही होगा। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको मैं घुमा के से खोलता हूँ। देखो ये रहा इसमें सेल, तो यहाँ पे ना सेल चेंज होता है। तो ये मैं यूज़ करता हूँ माइक अपने इसके लिए, मोटो व्लॉग के लिए। तो इसको भी मैंने ना अंदर, यहाँ पे एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको,
अंदर ताकि डिसकंफर्टेबल ना लगे, अंदर ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा रखा है, जैसे आपको दिख रहा हो ये अंदर यहाँ पे कट है, तो इस कट के अंदर ना ये चला जाता है, ऐसे किया मैंने तो ये चला गया और ये बंद हो गया। और ऐसे ना मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि अंदर कुछ है, तो ये बिल्कुल ही कंफर्टेबल रहता है मेरे लिए, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये तो मैंने हैंडमेड के अंदर जो अपना माइक को माउंट कर रखा है, और ये वायर जो है सीधा मेरे कैमरे में लग जाती है। तो अब चलते हैं मेन चीज पे, वो है ये कैमरा। ये बेसिकली SJ Cam SJ6 Legend है, आपको दिख ही रहा होगा नेम। तो ये आपको Amazon पे अराउंड 10,000 रुपीस कुछ का मिल जाएगा। मुझे अराउंड 1.5 मंथ हो चुका है जब से मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है और मैं इसी कैमरे को यूज़ करता हूँ। इसमें आपको एक ये अलग सी चीज़ दिख रही होगी, इसके बारे में पहले तो मैं बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोस के अंदर, लेकिन अगर आपने अभी ये वाली जो वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है मेरी, मीन्स इससे पहले आपने कोई वीडियो नहीं देखी मेरी, तो आपके लिए बता देता हूँ। लाइक आपने अगर मोटोब्लॉग सर्च किया तो आपको ये वीडियो मिली है। तो इसके अंदर बेसिकली मैं अपना जो माइक है ना वो लगाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये थोड़ी वायर निकालता हूँ पहले इसके बाहर। देखो ये है ना, ये मेरा इसके अंदर लग जाता है ऐसे, तो इसके थ्रू ही मैं अपना जो माइक है ना वो यूज़ कर पाता हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे ना एक पोर्ट दिख रहा होगा आपको, ये है माइक्रो यानी मिनी USB शायद, हाँ मिनी USB है। तो जो इसका ऑफिशियल माइक है ना इस कैमरे का, वो आता है इस पोर्ट वाला। तो अगर मेरे को इसको यूज़ करना था माइक को, तो मुझे ना इसके अंदर लगने वाला जो माइक है वो मंगाना पड़ता, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखी जाएगा वो अमेजोन पे 1500 कुछ का था। तो वो मैंने ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मैंने उसका जो रिव्यू है ना वो चेक किया, तो पता चला है उसकी क्वालिटी थोड़ी बेकार सी है और ज़्यादा महंगा भी था। मेरे पास बोया का पहले वाला माइक पड़ा था मेरा, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड है जो भी है, तो मैं यूज़ करता हूँ सैंडिस्क का 16GB वाला मेमोरी कार्ड एक, तो ये मेरा भी काम चला देता है बाकी। और देखो ये जो ऊपर प्लास्टिक है ना, ये वाली प्लास्टिक, ये प्लास्टिक बेसिकली इसका केस था जो कि इसके साथ आता है। लेकिन जब मैंने ये माइक यहाँ पे लगाया ना, ये माइक के लिए हेडफोन जैक जो भी है ये, तो इसके बाद मेरे को ये प्लास्टिक के ऊपर ही इसको माउंट करना पड़ा। मैंने कैमरे के ऊपर माउंट नहीं किया इसको, तो यहाँ पे मैंने इसको फेविक्विक से चिपका दिया, तो अब ये प्लास्टिक जो है ना परमानेंट इस पर फिक्स रहती है। सो ये जो कैमरा है ना, ये इस प्लास्टिक से तो अब हट नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे फिक्स हुई पड़ी। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ से ये भी हट जाएगा। और यहाँ पे जो आपको ये छेद दिख रहा है ना, ये जिसमें से वायर आ रही है, बेसिकली इसका जो इंटरनल माइक था ना वो अंदर था इस एरिए में। तो मैंने इस कैमरे को ओपन किया, अंदर का जो माइक है उसको निकाला, और वहाँ पे जो पोर्ट था ना वहाँ से मैंने दो तारे बाहर निकाल के इस हेडफोन जैक को यहाँ पे लगा दिया, और फिर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और ये अच्छे से काम कर रहा है। बीच में एक बार दिक्कत आई थी मेरे को स्टार्टिंग में, तब ये वायर ना लूज़ हो गई थी, तो बाद में मैंने इसको फिक्स किया, तो ये परफेक्ट चल रहा है। और ये जो कैमरा है ना, इसने मेरे को काफ़ी सेटिस्फाई किया अब तक। मीन्स लोगों ने GoPro वगैरह भी यूज़ कर रखे हैं सबने, तो GoPro तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लाइक 7, 8 या 9 जो आता है मॉडल उसका, Hero 7 Hero 8, तो वो 30,000 40,000 ऐसे कुछ चला जाता है, 50,000 तक भी चला जाता है। और ये 10,000 का कैमरा है, और इसके अंदर ना एक ये बटन है, एक ये बटन है, एक ये बटन है, तीन ये बटन है, और एक फ्रंट में डिस्प्ले भी दे रखी है। तो मैं जैसे अभी आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे को इसको ऑन करना है तो मैं ये वाला जो साइड वाला बटन है ना इसको दबा के रखता हूँ, तो ये देखो ये ऑन हो गया। ऑन होते ही देखो इसमें इसका व्यू आ गया सारा, जो भी सामने दिख रहा है आपको। तो अगर मेरे को माइक चालू रखना है तो मैं यहाँ पर टच करूँगा, तो ये माइक वाला जो बटन है ना, ये देखो ये माइक काटा हो गया, और वापस करना है मेरे को इसको, तो मैं इसको वापस कर दूंगा। देखो ये वापस हट गया। तो इसकी जो टच है ना वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है अभी, क्योंकि मैंने जिसको ओपन वगैरह किया ना तो मेरे से थोड़ी बहुत वायरिंग वगैरह छिड़ गई थी, तो मैं टच थोड़ा ना ऊपर नीचे हो जाती है, तो इस वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत आती है मेरे को। लेकिन मैं इसकी टच इतनी यूज़ नहीं करता, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि मैं इसको यूज़ कर रहा था तो नीचे वाला क्लिक हो रहा था ये। तो इसके अंदर ना ऊपर लिखा हुआ है 1 hour 45 minutes, मीन्स ये जो मेरा 16GB का मेमोरी कार्ड है ना और इसका जो बैटरी बैकअप है उसमें 1 hour 45 minutes की रिकॉर्डिंग कर सकता है। और बेसिकली आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने इसमें कम से कम भी ना 1 to 2 hours का बैटरी बैकअप इसमें खुद निकाला है पर्सनली। तो जब मैं मंसूरी गया था तो वहाँ पे मैंने इस कैमरे को यूज़ किया था, मैं घर से इसको चार्ज करके निकला था और पूरे दिन की वीडियो मैंने इसमें रिकॉर्ड कर ली थी। तो यहाँ पे जैसे देखो, अगर मैं इसमें कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ तो मेरे को ये बटन दबाना है, तो ये रिकॉर्डिंग चालू होगी। अब यहाँ पे टाइमर आ गया और लाइटिंग वगैरह चल पड़ी, देखो रिकॉर्डिंग हो रही है। और मेरे को रिकॉर्डिंग देखनी है तो मैं जैसे यहाँ से पॉज करते हैं, वापस सेव होगी ये रहा रिकॉर्डिंग वाला वीडियो, और ये देखो ये आ गया, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी मेरी। देखो ये जो रिकॉर्डिंग मैंने अभी करी है वो आ गया यहाँ पे। और इसके अंदर मोड्स भी मिल जाते हैं हमें काफ़ी, लाइक मैं सेटिंग पे जाऊँगा तो
तो यहाँ पे फोकस बन जाए, रेजोल्यूशन है तो यहाँ पे सारे मोड्स आ गए। एक मिनट, रेजोल्यूशन में लाइक 4K भी है, 2K भी है, 1080p भी है। मैं यूज़ करता हूँ 1080p 60fps। यही मोड सबसे बेस्ट है इस कैमरे में, क्योंकि ऊपर वाले मोड्स में इतना मज़ा नहीं आता, तो 1080p 60fps अभी के लिए मेरे लिए इनफ है। और सेटिंग दिखाता हूँ मैं आपको इसकी। ये देखो, इसमें लूप रिकॉर्डिंग है कि हमें कितनी मिनट पे वीडियो को स्टार्ट रीस्टार्ट करना है। लाइक 5 मिनट होती है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। मोशन डिटेक्शन, डिले रिकॉर्ड, लो लाइट मोड, WDR, जायरो सेंसर, ऑडियो वॉल्यूम, टाइम स्टैम्प, वीडियो फाइल, ये सारे फॉर्मेट है इसके अंदर। वो तो जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे आपको समझ आ जाएंगे। बेसिकली मैं बस यूज़ करता हूँ WDR और वीडियो ये यूज़ करता हूँ। जायरोस्कोप मेरा ऑन रहता है, तो जिससे कि जो शेक वगैरह होता है ना कैमरा, लाइक मैं बाइक वगैरह चलाता हूँ रास्ते में, तो आपको पता नहीं चलेगा इतना। आप वीडियोस भी चेक कर सकते हो मेरी, जितनी भी मैंने वीडियोस डाल रखी उसमें आपको पता नहीं चलेगा इतना कि शेक हो रहा है। तो ये कुछ इसका कैमरा था ये। और इस कैमरे के अंदर माइक लगाने के लिए ये है। अगर मेरे को माइक यहाँ पे नहीं लगाना है तो मेरे को ये वाला परचेज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको परचेज भी कर लेता ना बाय चांस, तो या तो मैं इसको माइक को यूज़ कर सकता हूँ या मैं इसको चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन अब क्या है कि अगर मेरा जो बैटरी बैकअप है वो ख़त्म हो गया इसका, या मैं चार्ज करना भूल गया और रास्ते में को कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, माइक अपना यहाँ पे लगा सकता हूँ और यहाँ पे अपना पावर बैंक से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं वो देखता हूँ मेरे पास डाटा केबल इसकी कहाँ पड़ी है। ये देखो, ये है इसकी डाटा केबल। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे लगा के, और ये जो पोर्ट है ये, इसको मैं पावर बैंक में लगा सकता हूँ और यहाँ पे मैं अपना माइक कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ, और मेरे को सबसे सस्ता ऑप्शन यही लगा, क्योंकि कैमरा तो और भी है लेकिन इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा है। लाइक ये वीडियो बैक करता हूँ मैं सभी, बस आपको ये दिख रहा होगा कि इसकी जो टच है ना वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, वो भी मेरी वजह से बिगड़ी, क्योंकि मैंने इसको खोला था ना। और यहाँ पे देखो एक क्रैक भी है, ये भी इसी वजह से है क्योंकि मैंने इसको खोला था। बाकी फर्स्ट टाइम तो सही हो गया था सब कुछ, वो सेकंड या थर्ड टाइम मेरे को इसको जब खोलना पड़ा ना, तब मेरे से थोड़ी बहुत वायरिंग वगैरह में अंदर, वैसे भी माइनर से कंपोनेंट्स होते हैं तो थोड़ा बहुत छिड़ गया था। तो जैसे ये यहाँ पे है, और इसके अंदर और भी मोड्स हैं। लाइक मैं इसको ऐसे दबा के रखता हूँ ऊपर वाले बटन को, इसको देखो मोड चेंज हो गया, ये आ गया इमेज मोड। और मैं इसको दोबारा दबा के रखूँगा और इसको छोड़ दूंगा तो वापस से वीडियो मोड पे आ गया। और इसको मैं दबा के रखूँगा अगर, तो ये वापस से स्विच ऑफ हो जाएगा। और अगर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा ना, तो 3 मिनट पता नहीं 1 मिनट में वो हम सेट कर सकते हैं इसके अंदर, उतनी देर में ये अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाएगा। और जब इसको रिकॉर्ड करते हैं ना वीडियो को, तो क्या होगा, ये जो डिस्प्ले है ना, ये भी इसकी स्क्रीन सेवर मोड में चली जाती है, लेकिन यहाँ पे पता चलता रहता है हमें कि रिकॉर्डिंग हो रही है। और यहाँ पे इसका कुछ कैमरा लेंस है। तो ये मेरा कैमरा था जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आपको भी अगर यूज़ करना है तो आप SJ कैम पे जा सकते हो, लेकिन तब जब आप या तो ये रिस्क लेना चाहो ये वाला, या वो वाला माइक ऑर्डर कर सको। नहीं तो इस पे जाने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो आपको ना एक्स्ट्रा माइक यूज़ करके फ़ोन वगैरह में रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो ये लगाना पड़ेगा आपको ऐसे, या किसी से करवाना पड़ेगा, या फिर ये वाला जो यहाँ पे लगने वाला माइक है वो परचेज करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे इसको लगाता हूँ ना मैं, देखो ये ऐसे जो क्लिप है ना ये ऐसे लग गई, और यहाँ पे देखो ये लूज़ करा था ना मैंने भी। तो इनसे क्या होता है, ये सारे जो माउंट करने के ये है ना, ये इसके बॉक्स में मिल जाते हैं आपको सारे। अभी तो मैंने सारे यूज़ कर रखे ऑलमोस्ट। देखो जैसे ये है, यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा जितना भी नीचे करना है जिस एंगल पे, उस पर हम सेट कर सकते हैं इसको। यहाँ से बाहर हो गया जैसे ये, और यहाँ से भी और बाहर, लाइक देखो। तो इसके अंदर ये होता है, एक बार मैं इसकी जो क्लिप नीचे गिर गई उसको उठाता हूँ मैं। तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको, देखो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा पहले, ये लग गया। और यहाँ पे मेरा कैमरा लगेगा, इसको लगाता हूँ एक बार। अभी मैं इसको थोड़ा सा लूज ही लगा रहा हूँ, देखो मैंने कैमरा लगा दिया यहाँ पे। अब मैं इसको जैसे चाहूँ वैसे सेट कर सकता हूँ, लाइक मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया, तो ये इस तरह का कुछ हो गया। और बाकी आपको अंदर से दिखाता हूँ एक बार मैं इसको, देखो ऐसे दिख रहा है अंदर से, कुछ पता नहीं चल रहा हमने कुछ लगा रखा है, बस एक ही वायर है। और यहाँ से ये जो वायर है ना, ये ऐसे जाके यहाँ पे लग जाएगी, और फिर मैं इसको नॉर्मली यूज़ कर सकता हूँ। मैं कैसे यूज़ करता हूँ इसको, लाइक अभी ऑफ है अंदर, मतलब पहन के इसको ये दबाता हूँ।
ये चालू हो गया, SJKM का ब्रांड आ गया। अब मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे मेरे को रिकॉर्डिंग चालू करनी है, मैंने देखा हुआ है कि हाँ कैमरा सेट है मेरा, ये चालू किया, रिकॉर्डिंग चालू होगी। जब मुझे लगता है कि हाँ बस रिकॉर्डिंग बहुत है, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ, ये पॉज हो जाती है, फिर मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ या फिर खुद ही स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये मेरा कुछ सेटअप था, और क्लिप्स वगैरह आप मेरे व्लॉगिंग में देख सकते हो, लाइक जो मैंने व्लॉग्स डाल रखे हैं। बाकी कैसा लगा आपको ये सेटअप, इसके लिए कमेंट करके बताएं। और अगर आपको माइक में जो बैटरी वाला इशू आता है उससे बचना है, तो आप बोया M1 की जगह ना मोनो का नॉर्मल सा कैवेलियर माइक जो आता है, लेवेरियर, वो वाला यूज़ कर सकते हो, या कोई भी और भी माइक यूज़ कर सकते हो, इवन आप हेडफोन वाला माइक भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बस ये देखना पड़ेगा आप जो यहाँ पे लगाओगे वो प्रॉपर मैच हो जाए बस। तो ये कुछ नॉर्मल सा सेटअप था मेरा। तो अगर आपको कोई सेटअप बनाना है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, नहीं तो और भी कैमराज आते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनमें सेकिंग काफ़ी है। तो ये मेरे को, मेरे लिए तो है बेस्ट ऑप्शन, अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, आगे भी पता नहीं कब तक मैं इसको यूज़ करूँगा, तो जब तक चल रहा है ठीक है। बाकी इसका प्राइस 10,000 है, वो मैंने आपको बता दिया, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। अभी देखो इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चालू ही पड़ी है, मैं इसको बंद ही करता हूँ, बंद होगी। तो बस मेरे को यहाँ पे यही जुगाड़ करना पड़ा था इसके अंदर। बाकी हेलमेट भी काफ़ी अच्छा है, ये ना हैवी है ना कुछ, वैसे हेलमेट में एक वो है, मीन्स ये अच्छा लगता है इसलिए मैंने खुद ही लिया था, इसमें दिक्कत नहीं है। यह इसका क्रोम वाइजर, रात में इसमें विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, मैं चाहूँ तो इसको मैं चेंज करवा के वाइट वाला लगवा सकता हूँ, बाकी मेरे को यही अच्छा लगता है, मैं इसलिए ये वाला यूज़ करता हूँ। इस पर अभी तो फिलहाल बहुत सारे निशान पड़े हुए हैं, देखो आपको दिख ही रहे होंगे, ये बहुत बार गिर चुका है। और अंदर से इसको पहनने के बाद ना बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता, क्योंकि मैंने जो इसकी फिटिंग कर रखी है ना वो इसी तरीके से कर रखी है कि सब कुछ वायरिंग वगैरह जो है वो इनके पीछे चली गई, और जो मेरा वो था इतना मोटा वाला इसका जो बटन है वो अंदर मैंने जो फोम है ना थोड़ी सी कट करके उसके अंदर डाल दिया। तो ये सेटअप था मेरा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।